हेलो दोस्तों, आज मैं आपको वेज बिरयानी बनाने का तरीका बताती हूँ। देखिए, मैंने दाल चीनी ली है, एक लाल मिर्च लिया है, थोड़ा अदरक भी छोटा छोटा काट लिया है, और ये तेज पत्ता लिया है मैंने, ये काली मिर्च है, और लौंग है, इलायची है, साबुत जीरा है, थोड़ा सा तड़के के लिए जो सारी चीज़ें यूज करते हैं, और तीन छोटे छोटे आलू काट लिए थे। इन सब चीज़ों को काट के मैंने ये प्याज छोटे छोटे काटे हैं, टमाटर, परवल और मिर्च है, धनिया। बच्चे की फरमाइश थी बिरयानी बनाने के लिए, इसने मैंने बाहर बारिश हो रही थी तो इस वजह से मैंने जो था वही यूज किया। ये मैंने चावल भिगोया हुआ था, बासमती चावल घर में ख़त्म हो गया था, मैंने ये नॉर्मली चावल लिया है। इसी चावल को मैंने 10 मिनट के लिए भिगो के रखा था, और ये मैं थोड़ा सा तेल ले रही हूँ सरसों का, और ये एक चम्मच घी ली हूँ, क्योंकि मेरे पास केवड़े का जल है नहीं, इस वजह से थोड़ा सा खुशबू लाने के लिए तो कुछ लेना ही पड़ेगा। ये मैंने ऑन कर दिया है गैस, और ये रख दिया है भगोने को, और मैं इसमें अब सारी चीज़ें, तेल को ऐड किया, फिर घी हल्का सा, जब तेल गर्म हो जाएगा उसके बाद मैं सारी तड़के की सामान उसमें ऐड कर दूंगी। तड़के की सामान सारी ऐड करने के बाद जो है उसे हल्का सा भून लूंगी ब्राउन होने तक, ब्राउन जब तक ब्राउन ना हो जाए उसे भून चलाते रहना है, थोड़ा थोड़ा चलाते रहना है। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी प्याज, उसके बाद इसमें हरा मिर्चा काट के रखा था जो वो भी इसमें ऐड कर दिया, मिर्च भी हल्का हल्का ब्राउन हो गई है, जिसमें प्याज ऐड करूंगी। देखिए दोस्तों, क्या है कि सारी चीज़ प्याज और परवल एक साथ अगर पड़ जाए तो सही तरीके से भून लिया जाता है, अगर प्याज पहले ही भून लिया जाए और परवल बाद में डाला जाए तो वो जो है प्याज जलने लगती है और परवल हुआ ही नहीं रहता है, थोड़ा कच्चा टाइप रह जाता है, इसलिए मैं दोनों एक ही साथ डालूंगी, और एक साथ डालने के बाद उसे खूब अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी चलाते हुए, फिर इसमें मैं थोड़ा सा आलू जो काट के रखी थी इसमें ऐड कर दूंगी, और टमाटर भी इसी के साथ डाल दूंगी। दोनों सारी चीज़ें, मतलब इसको ढक के नहीं रखना है, चलाते रहना है हल्का हल्का, और जब तक ये पूरी अच्छी तरीके से भून जाए फिर इसमें सारे मसाले ऐड करने के बाद, देखिए मैं थोड़ा सा भून ली हूँ। अब इसमें मसाले जो जो मैंने लिया था, ये मैंने धनिया पाउडर लिया था, ये गरम मसाला है, ये हल्का सा मीट मसाला, और हल्दी, और बिरयानी में स्वाद लाने के लिए शाही बिरयानी मसाला मैंने एक पैकेट बाज़ार से मंगाया था, इसे तो रहना अवेलेबल है, क्योंकि बिरयानी वेज बिरयानी बने या फिर कोई भी बिरयानी बनाए तो उसमें ये मसाले का रहना ज़रूरी होता है। और मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए, अब इसमें मैंने चावल भी पानी निकाल के रख दिया था, अब इसको भी मैं उसी में सब एक साथ ही ऐड कर दूँगी। देखिए, मैंने दूसरा बर्तन इसलिए लिया कि 4-5 लोगों के लिए बनाना था, तो इसमें वो छोटा होता है, छोटा पड़ जाता तो सारे लोगों को हो नहीं पाता, इस वजह से मैंने बर्तन चेंज कर दिया, और उसी बर्तन में मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया था, और पानी भी मैंने अब इसमें स्वाद अनुसार, मतलब जितने में चावल पूरा अच्छी तरीके से पक जाए, सारे चावल अलग अलग हो जाएं, इसलिए मैंने इसमें उतना ही पानी ऐड किया है जितने में बिरयानी अच्छी तरीके से पक जाए। अब इसमें मैं धनिया भी ऐड कर दूंगी। धनिया ऐड करने के बाद एक बार मैं अच्छी तरीके से इसको चला लूंगी पूरा, फिर हमें इसको अच्छी तरीके से ढक के रखना है।
अब सारी चीज़ें एक एक में मिक्स हो गई हैं। अभी से मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक भी ऐड कर दूँगी। देखिए इसका कलर अभी से ही ऐसा दिखाई दे रहा है और बनने के बाद तो थोड़ा और भी अलग हो जाएगा। अब देखिए मैंने इसे ढक दूँगी। ढकने के बाद मैंने आपको देखते हैं कैसे। पक जाने के बाद आपको खोल के दिखा रही हूँ। देखिए कैसा बना है। बिल्कुल भी बहुत लोग देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि मैंने तहरी बनाया है, लेकिन मैंने तहरी नहीं वेज बिरयानी बनाया है। वेज बिरयानी भी उसी तरीके की होती है, लेकिन तहरी थोड़ा गीली रहती है। मैंने इसे इस तरीके से अब मैं आपको इसे निकाल कर दिखाती हूँ। एक प्लेट में हमें एक तरफ से ही निकालना है ताकि सारी चीज़ें सब मिक्स। वैसे ही मैंने पहले ही चला दिया था, इस वजह से हमें एक तरफ से निकालना है क्योंकि सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं और हर तरफ से निकालूंगी तो टूट जाएंगे, चावल भी टूट जाएगा। देखिए इसे निकालने के बाद जो है मैं इसे, आप चाहें तो आपके पास जो भी चीज़ें हों, मेरे पास कसूरी में वो पत्ते भी नहीं थे और मैंने धनिए से इसे सजाया है, चाहें तो धनिए से सजा सकते हैं या फिर टमाटर प्याज वगैरह सारी चीज़ें काट के भी सजा सकते हैं। मैंने धनिया और टमाटर का इस्तेमाल किया था। देखिए मैंने आपको अच्छी तरीके से थोड़ा पास ला के दिखाती हूँ। एक बार आप भी इसे ट्राई करके देखिएगा दोस्तों, अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा कैसा बना है। चलिए दोस्तों इतने के लिए धन्यवाद। जय माता दी। बाय दोस्तों।